संभल में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार ने पुलिस टीम के चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम भोना नंगला से 3 अभियुक्तों को अवैध शस्त्र व केमिकल से देसी शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया, जबकि एक अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहा। इस विषय में पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि गन्नौर कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम भोना नंगला के जंगल में छापा मारकर अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को अवैध शस्त्र व केमिकल से देसी शराब बनाते हुए मय उपकरण व 405 पौवे केमिकल कलर देसी शराब के लेवल खाली पौवे व वाहन सहित गिरफ्तार किया, जिनके विरुद्ध विविध कार्रवाई की जा रही है। जंगल ग्राम भोना नगला में नदी किनारे एक अवैध शराब की भट्टी चल रही थी, जिसकी सूचना इंस्पेक्टर गुन्नौर को मिली। वो अपनी टीम लगा करके वहाँ पे 3 आदमियों को गिरफ्तार किए। इसमें किशन पाल, बिंटू और श्यामवीर ये आपराधिक किस्म के व्यक्ति थे, जो लगातार वहाँ पे अवैध शराब अपमिश्री शराब बनाते थे और लोगों को सप्लाई करते थे। ये पकड़े गए हैं, इनका एक साथी मौके से फरार हो गया है। ये लोग वहाँ पे मिस इंडिया, मिस इंडीज, राजा और दिलदार आदि ब्रांड की शराब जो पाउच और पौवा बना करके बेचते थे, लोगों में सप्लाई करते थे और उससे धन अर्जित करते थे। अब ये पूरा गैंग पकड़ा गया है। इससे भारी मात्रा में पौवे, 405 पौवे और ब्रांड की पर्चियाँ, उनके लेबल, उनका खाली बोतल और पैकेजिंग के सामान, ये तमाम मिले हैं। एक SUV मिली है, एक मोटरसाइकिल मिली है, तमंचे मिले हैं, कारतूस मिले हैं इनके पास से, तमाम असलहे और ये शस्त्र और ये बनाने का उपकरण पूरा मिला है। पूरा एक गैंग के रूप में ऑपरेट कर रहे थे, लगातार इस क्षेत्र में ये लोग अवैध शराब बना के सप्लाई कर रहे थे। अब ये गैंग पकड़ा गया, इससे क्षेत्र में अवैध शराब की सप्लाई पर कंट्रोल लगेगा।